नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव के बाद 1.25 लाख शिक्षकों की होगी बहाली। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन रहा हंगामेदार। वोटिंग के दौरान लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे हुए गायब। बिहार के यूनिवर्सिटीज में हुए घोटाले को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। विदेश से आए पैसेंजर्स को लेकर राज्य में हाई अलर्ट हुआ जारी। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन रहा हंगामेदार। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही आज दिन में शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। दरअसल राजद विधायक भाई वीरेंद्र और भाजपा विधायक संजय सरवगी के बीच शराबबंदी को लेकर बहस हो गई। इसी बहस के कारण भाई वीरेंद्र पूरी तरह से आग बबूला हो गए और उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने भाजपा विधायक को कई अपशब्द कहे। वहीं यहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी करते नजर आए, जिस पर भाजपा विधायक संजय सरवगी ने उन्हें संस्कारहीन करार दिया। तो वही मामले में अध्यक्ष ने भी राजद विधायक को सीमा में रहने की चेतावनी दी। बताते चले कि आज सदन में विपक्ष के द्वारा शराबबंदी, जमीन विवाद, स्वास्थ्य और वित्तीय घोटाले जैसे मामले उठाए गए, जिस पर दोनों पक्षों की बहस चलती रही। पंचायत चुनाव के बाद 1.25 लाख शिक्षकों की होगी बहाली। बिहार में एक तरफ शिक्षक अपनी नियुक्ति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विधानसभा सदन में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा मंत्री ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। सदन में विपक्ष के साथ इन मुद्दों पर बहस के बीच शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के बाद 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली शुरू की जाएगी। उन्होंने साथ में यह भी माना कि बिहार में शिक्षकों की कमी है। दरअसल सदन में AIMIM विधायक अख्तरुल इमाम ने शिक्षकों की कमी का सवाल उठाया था, जिस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव के बाद 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली शुरू की जाएगी। शिक्षकों की कमी है, सरकार भी मानती है, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद बहाली होने के बाद शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का आंदोलन दूसरे दिन भी रहा जारी। बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग में बीते दिन से TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हुआ था। वहीं आज भी हजारों की संख्या में अभ्यर्थी नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठे हैं। इन शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग पर जानबूझकर नियुक्ति रोकने का आरोप लगाया है। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि 38,000 से ज्यादा शिक्षकों का चयन हो चुका है, इसके बावजूद सरकार उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है। शिक्षा मंत्री बार बार आश्वासन देते हैं कि दीपावली के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन छठ पर्व बीतने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की घोषणा करे। यदि शिक्षा मंत्री कैमरे के सामने आकर घोषणा करते हैं तो धरना खत्म किया जाएगा। अब जानेंगे बिहार के मौसम का ताजा हाल। अब तक बिहार के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में दो अलग तरह की हवाएं चल रही थी, मगर मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से बताया गया है कि आने वाले दो दिनों में राज्य भर में पछुआ हवा चलने के संकेत मिल रहे हैं, जिसके प्रभाव से तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। इससे ठंड में इजाफा होगा। मौसम विज्ञानियों की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। हालांकि पछुआ हवा चलने के बाद सुबह में धुंध की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान उत्तर बिहार में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच व दक्षिण बिहार में 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। वोटिंग के दौरान लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे हुए गायब। बिहार में बीते दिन संपन्न हुए 9वें चरण के मतदान से जुड़ा एक बड़ा कारनामा मुंगेर जिले के सदर प्रखंड के नवा गढ़ी उत्तरी पंचायत के बूथ संख्या 145 से आया है, जहां वोट देने गए लोगों के अकाउंट से पैसे गायब हो रहे थे। इसके बाद गांव के लोग परेशान हो गए। वहां आए वोटर इधर बूथ से वोट देकर निकले, वहीं उधर मोबाइल पर मैसेज आया कि बैंक अकाउंट से पैसा निकल गया है। बता दें कि ये खेल जारी था, लेकिन लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर पैसा निकल कैसे रहा है। दोपहर के बाद लोगों को समझ में आई कि इसके पीछे बूथ पर वोटरों का फिंगरप्रिंट लेने के लिए तैनात मतदान कर्मी रवि कुमार ही आरोपी है, जो कि ग्रामीण बैंक का CSP संचालक है। बता दें कि रवि को निर्वाचन आयोग ने वोटरों की उंगली का निशान लेने के लिए उसे टैप दिया था, लेकिन वह उसके अलावा एक अपना बायोमेट्रिक मशीन लेकर गया था, जिससे वोट डालने आ रहे लोगों से बहाने से अपने बायोमेट्रिक्स मशीन पर उनके अंगूठे का निशान लेता था, जिससे उनके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होने की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। इस पूरे मामले में SDO ने बताया कि फिंगरप्रिंट लेने वाले मतदान कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही लोगों की राशि भी लौटाने की बात कही गई है। बिहार में यूनिवर्सिटीज में हुए घोटाले को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आए दिन बिहार के नामी विश्वविद्यालयों में बड़े बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा होने के बाद अब बाकी के विश्वविद्यालयों में भी वित्तीय गड़बड़ी होने की आशंका हो रही है। बताते चले कि विश्वविद्यालय में हुए ऐसे बड़े गड़बड़ी से इनकी छवि पर भी असर पड़ा है, जिसे सख्ती में लेते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने इन वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर राज्य में महालेखाकार को पत्र लिखा है, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों में वर्षों से चल रही सभी खरीद बिक्री का ऑडिट कराने का
का अनुरोध किया गया है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई के लिए आउटसोर्सिंग और किए जा रहे खर्च की भी ऑडिट कराए जाने की बात कही गई है। इसके तहत विभाग ने सभी 13 यूनिवर्सिटी के नाम के साथ ही उन्हें दिए जाने वाले विभिन्न मदों में अनुदान का भी जिक्र किया है। माना जा रहा है कि ऑडिट कराने के बाद कई सच सामने आ सकते हैं। खनन मंत्री ने अपने धन कुबेर आप्त सचिव की कर दी छुट्टी। बीते दिनों बिहार के खनन और भूतत्व मंत्री जनक राम के आप्त सचिव मृत्युंजय कुमार के ऊपर विजिलेंस टीम की छापेमारी में बड़ी संपत्ति का खुलासा हुआ था, जिसके बाद अब भारी फजीहत होने के बाद मंत्री जनक राम ने भी अपने सरकारी पीए को पद से हटा दिया है। इसके तहत बीते दिन ही एक आदेश पारित करके उन्होंने आप्त सचिव मृत्युंजय कुमार को नौकरी से छुट्टी दे दी। इसके तहत मंत्री जनक राम ने अपनी तरफ से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को पत्र जारी करते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से उनके सरकारी आप्त सचिव मृत्युंजय कुमार को पद से मुक्त करने के लिए आगे की कार्रवाई की जाए। आपको बताते चले कि खनन मंत्री के आप्त सचिव मृत्युंजय कुमार के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी में स्पेशल विजिलेंस टीम को 30 लाख रुपए और सोने की बिस्किट मिले थे, जिसके बाद से ही सियासी गलियारे में कई तरह की बातें उठ रही थी। बिहार में शराब तस्करों पर आसमान से रखी जाएगी नजर। सूबे में अब शराब के भट्टे बैठाने या फिर तस्करी करने वाले उत्पाद विभाग की नजर से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके कारमातों पर अब आसमान से नजर रखा जाने वाला है। इसके तहत गांव देहात में देसी शराब भट्टियों की निगरानी ड्रोन कैमरे की मदद से की जाएगी। शराब तस्करी रोकने के लिए हर 50 किलोमीटर पर एक गश्ती दल की तैनाती की जा रही है। साथ ही नदियों के रास्ते भी शराब तस्करी को रोकने के लिए नाव और मोटर बोट के जरिए गश्ती शुरू कर दी गई है, ताकि ऐसा कोई भी तस्कर ना बच पाए जो कानून में बाधा डाल रहा हो। इस बारे में बताते हुए बीते दिन उत्पाद आयुक्त ने बताया कि समीक्षा के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। विभाग में कार्यबल की कमी को देखते हुए पुलिस विभाग से 3 डीएसपी, 11 इंस्पेक्टर, 104 दारोगा और 244 सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति की मांग की गई है। अब शराब से जुड़े शिकायत को सीधे मद्य निषेध के अपर मुख्य सचिव सुनेंगे। राज्य में शराबबंदी कानून को सफलता से लागू करवाने के लिए मद्य निषेध विभाग सख्ती के साथ काम कर रही है। इसके तहत हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक को पुनः इस काम की जिम्मेदारी दी गई, जिसे वे सफल बनाने में लगे हैं। इसके तहत अब शराब से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको मिले तो आप सीधे मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके तहत अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9473400600 जारी किया है। इस पर आप शराब से जुड़ी जानकारी दे सकते हैं, जो कि सीधा मद्य निषेध विभाग तक पहुंचेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि जानकारी देने वालों की पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। बिहार में मिले 2 नए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं इस दौरान 4 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 38 पर पहुंच गई है। इस दौरान अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना और गया जिले से 1-1 मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं बात रिकवरी रेट की करें तो राज्य में लोगों के ठीक होने की दर 98.66% है। विदेश से आए पैसेंजर्स को लेकर राज्य में हाई अलर्ट हुआ जारी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देश भर में विदेश से आए पैसेंजर्स को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसे लेकर सभी राज्यों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है, जिसे लेकर अपने राज्य बिहार में भी सरकार हाई अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर बिहार के रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट पर सख्ती के साथ जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेश के मुताबिक विदेश से आने वाले यात्रियों को अब कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद भी 10 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। बताते चले कि आदेश में यह बात सख्ती के साथ कही गई कि इंटरनेशनल यात्रियों की निगरानी में कहीं से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर इस बात पर सख्ती से पहल की जाए तो नए वेरिएंट को भारत में फैलने से रोकने में यह कारगर साबित होगा। हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस को लगाई फटकार। जमीनी विवाद से जुड़े मामले में केस दर्ज नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए जवाब मांगा है। दरअसल पूर्वी चंपारण से आए कुछ याचिकाकर्ताओं की अर्जी पर बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जमीन विवाद में पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी। बिहार पुलिस शिकायत को लेकर आए दिन लोगों को जमीन विवाद की बात कह प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर देती है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का पहला काम FIR दर्ज करना है। FIR दर्ज नहीं करने का मतलब यही निकलता है कि पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। हाईकोर्ट की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी केस का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में पूरे देश में पुलिस को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन बिहार पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही पालन नहीं कर रही है, जिसके बाद कोर्ट ने जारी दिशा निर्देश का पालन करने को कहा।
सरकारी स्कूल के शिक्षकों की अनुपस्थिति पर बच्चे पहुंच गए पुलिस थाने। अक्सर हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे स्कूल जाने में आनाकानी करते हैं, लेकिन बिहार के सारण जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां शिक्षक ही गायब हैं पर बच्चे पढ़ने को व्याकुल हैं। और बच्चों में नाराजगी ऐसी कि वे प्रिंसिपल के न आने पर स्कूल में ताला लगाकर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत करने लगे। यह मामला छपरा के मशरक प्रखंड मुख्यालय में स्टेशन रोड में स्थित उत्क्रमित विद्यालय का है, जहां बीते दिन कोई टीचर के टाइम पर न पहुंचने पर ये 6 से 15 साल की उम्र के बच्चे थानेदार के सामने अपनी परेशानी बताने पहुंच गए, जिसके बाद थानेदार ने जिला और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को फोन करके जानकारी दी, जिसके बाद उनके विद्यालय पहुंचने पर सभी 9 शिक्षकों को नदारा देख हेडमास्टर और शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, साथ ही कार्रवाई करने की भी बात कही गई। तेजस्वी यादव ने सदन में उठाया विश्वविद्यालयों में हो रही गड़बड़ी का मामला। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज काफी हंगामों के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद सदन में विपक्ष के द्वारा विश्वविद्यालयों में वित्तीय गड़बड़ी का मामला उठाया गया। इसे लेकर पहले राजद के विधायक ललित यादव ने सवाल किया, जिसके जवाब में बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब विश्वविद्यालयों के अंदर ऑडिट कराया जाएगा। साथ ही कहा कि यह मामला कुलाधिपति के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर बोलते हुए कहा कि सरकार का खजाना जनता के पैसे से चलता है, ऐसे में अगर सरकारी खजाने की राशि का बंदर बांट हुआ और तकरीबन 2,00,000 करोड़ रुपए की राशि सरकारी खजाने की राशि का बंदर बांट हुआ है, जिसमें अगर जांच की आवश्यकता है तो सरकार इससे क्यों भाग रही है। उन्होंने इस मामले में जांच करने के साथ ही यह भी कहा कि मामले में दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर ने शुरू की जीवन की नई पारी। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर ने बीते दिन अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत कर दी है। शार्दुल ने अपने दोस्त मिताली पारुलकर के साथ सगाई रचाई। इस मौके पर T20 टीम के कमान संभालने वाले कप्तान रोहित शर्मा और स्पिनर युजवेंद्र चहल मौजूद दिखे। छोटे से वक्त में टीम इंडिया में बड़ी पहचान बनाने वाले शार्दुल, जिसे लॉर्ड शार्दुल के भी नाम से जाना जाने लगा है, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड मिताली से के साथ मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में सगाई के दर्शन पूरी की। इस कार्यक्रम में बेहद करीबी रिश्तेदार और परिवार के सदस्यों को ही बुलाया गया था। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके आसपास के सरकारी स्कूलों में शिक्षक समय पर उपस्थित होते हैं या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।